हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलियो P90 के बारे में, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो फ्लैगशिप वाली होगी और वो भी बजट रेंज के मोबाइल में। और इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आपको आने वाले 2019 के शुरुआत में ही मिलने लगेंगे। तो इस प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek ने इसे AI पावर हॉर्स विद नो कॉम्प्रोमाइज नाम दिया है। मतलब साफ है कि इसमें AI को बढ़ावा दिया गया है। तो अब इसके प्रोसेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सेम 12nm की टेक्नोलॉजी पे बना है। हीलियो के P60 और हीलियो के P70 भी इसी 12nm पे बने हुए हैं। और CPU की बात करें तो इसमें आपको पहली बार कॉर्टेक्स का A75 के 2 कोर मिल रहे हैं, जिनके स्पीड 2.2 GHz है, और बाकी के 6 कोर्स आपको कॉर्टेक्स के A55 के मिलेंगे, जो 2.0 GHz तक क्लॉक है। अब GPU की बात करें तो इसमें आपको IMG का पावर लिया GM9446 मिलता है। ये जो GPU है ना, वो पिछले हीलियो P60 और P70 के माली GPU से काफ़ी अच्छा है और गेमिंग में भी आपको ये अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। AI की बात करें तो यहाँ आपको APU 2.0 का सपोर्ट मिलता है और ये पहले के APU से इनहांस है। ये वाला जो P90 है वो 624 MHz के APU पर मिलता है, जबकि P70 की बात करें तो आपको 525 MHz पर मिलता था। कंपैरिजन की बात करें तो ये P60 से 4 times, P70 से 2 times बेटर है। यहाँ तक कि ये स्नैपड्रैगन के 710 से भी डुअल है। और तो और ये P90 AI के टास्क में भी स्नैपड्रैगन के 845 से भी बेटर है। तो अब AI के कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ 5% ह्यूमन पोर ट्रैकिंग मिलेगी। मतलब ये एक साथ 5 लोगों को ट्रैक कर सकता है। और यहाँ आपको फुल बॉडी अवतार AR मिलेंगे। मतलब आप जो अवतार बनाते थे ना, वो अब फुल बॉडी अवतार को सपोर्ट करता है। यहाँ आपको 3D पोज ट्रैकिंग मिलेगी, मतलब ये आपको 3D में ट्रैक कर सकता है। और यहाँ AR, MR एक्सेलरेशन भी मिलता है और इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी मिलता है। और इसके साथ ही आपको इसमें सीन्स आइडेंटिफिकेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसमें आपको AI नॉइज रिडक्शन भी देखने को मिलेगी, जो कि गूगल के नाइट साइड मोड के कुछ जैसा ही है। अब कैमरे की बात करें तो ये 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा को सपोर्ट करेगा और डुअल में ये 24+16 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा को सपोर्ट कर सकता है। और 48 मेगापिक्सल की कैमरे से इसमें आप 8K वीडियो तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आप 480 FPS की स्लो मोशन वाले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रैम की बात करें तो इसमें आप 8GB तक की DDR4X रैम को सपोर्ट करता है। अब देखा जाए तो सच में ये AI पावर हॉर्स है, जैसा कि MediaTek ने इसका नाम दिया है। अब देखना ये है कि कौन सी स्मार्टफोन सबसे पहले P90 के साथ मार्केट में आती है और कब तक आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टेक की राही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।